हरे कृष्णा, मैं आ गया हूँ हरी मंदिर खूंटी। और नमस्कार नमस्कार देवाशीष जी, नमस्कार। आपके बुलाने पे मैं आपके हरी मंदिर में पहुँच चुका हूँ आपके पास। लीजिए आपका भगवत गीता और रामायण, आप समय का सदुपयोग करिए। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लॉकडाउन के विपरीत परिस्थिति में आपने हमें आमंत्रित किया और छोटे से अवकाश में मैं आपके पास ससमय पहुंच गया और आपको भगवद गीता रामायण दी। और मैं ये जानना चाहूँगा, आप इस स्थिति में रामायण और भगवद गीता लेकर के क्या करना क्या चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये अभी के विकट परिस्थिति में अपने मन को शांत रखने के लिए ये हमें बहुत ही उपयोगी होगा, ठीक है। और हमें जो भी समय निकलेगा उस समय अगर हम इसका अध्ययन करते हैं तो ये हमें कुछ ना कुछ सदुपयोग के लिए, सदबुद्धि आगे के लिए काम करने के लिए ही हमें प्रेरित करेगा। इसलिए हमने सोचा कि जब आपने प्रचार किया फेसबुक के माध्यम से, उन्हें हम भी इस अवसर को ग्रहण करते हैं। और मैं एक बार आपको रिक्वेस्ट किया कि सर अगर आप आ सकते हैं, क्योंकि मैं भी अपने कुछ कार्य में व्यस्त रहता हूँ, तो आपने आया हमारे यहाँ तक और आपने ये दोनों पुस्तक भेंट की, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। और हम चाहेंगे कि आपके साथ आगे भी जुड़े रहें और आपका सहयोग, जहाँ भी हमारा सहयोग लगे करने के लिए मैं सदा। नहीं नहीं देवाशीष जी, मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि आप एक सरकारी एम्प्लॉई हैं और अच्छे से आप कार्य करते हैं। और अभी तीन पहलू में काम चल रही है। एक सरकारी के सिद्धांत है जिसके अनुसार सरकार सैनिटाइज करने, साफ़ सफाई रखने, ये सब वगैरह बहुत ही अच्छा तरीका से समझा रही है जनताओं को। और दूसरा पहलू धार्मिकता भी है, जहाँ पर मोदी जी बोलते हैं घंटा बजाओ, हाँ। और ताली बजाओ और दीपक दिखाओ, तो ये कहीं ना कहीं हमें आध्यात्मिकता से भी जोड़ता है। अगर हमें कोरोना से बचना है तो हमें हर एक प्रकार के समाधान करने होंगे, सब तरह के समाधान करने होंगे। आपको लगता है ये बात से आप सहमत हैं? एकदम, हाँ। क्योंकि आपने भी देखा, हमने भी देखा, इटली में जितनी मौतें हुई, हाँ, और अमेरिका में जैसी मौतें हो रही हैं उसके तादाद में हमारे यहाँ बहुत ही कम है, क्योंकि एक देवतुल्य भूमि है। हमारे यहाँ कंट्रोल्ड है, सारा कुछ सही है और हम चाहेंगे सभी लोग घर पे रहे, स्वस्थ रहे और लॉकडाउन को बहुत अच्छी तरह से पालन करें, ताकि हम लोग कोरोना को अवश्य विजय हों, कोरोना को मात दे के भारत देश हमारा एक विश्व में एक मिसाल कायम करे कि हाँ, इस तरह से लड़ोगे तो फिर हमारे क्षति कम होगी। और दूसरा चीज़ है कि हम फिर से अपने वैश्विक जीवन में लौट आएंगे। ऐसा नहीं है कि ये बहुत दिन तक चलेगा, ठीक है, अभी है थोड़ा, सबको तकलीफ है, छोटे व्यवसाय से लेकर के हर एक घर में सबको तकलीफ है, लेकिन इसी को तो लड़के हमें जीतना है। नहीं नहीं, बहुत ही अच्छी सोच है। हर एक तबके के लोग इसमें साथ दे रहे हैं, हर एक जगह से मुझे कॉल आ रही है, लोग चाह रहे हैं भगवद गीता रामायण लेना और परम रहस्यों को समझना। आपने बताया कि शांति मिलेगी, अवश्य ही शांति मिलेगी। हमें इस भयावह वातावरण में भय नहीं दिखाना है, बल्कि हमें आंतरिक शांति चाहिए और हमें होली बुक से शांति मिलेगी। और हम इस शांति के बलबूते, निडरता के बलबूते हम लोग इस कोरोना से लड़ सकते हैं, क्योंकि आधी मौतें तो डर के कारण हो जाती जी, है सर जी, ये जी, बात आप भी जानते हैं जी, जरूर। तो ये बहुत ही सहायक सिद्ध होगी, एक वरदान के रूप में साबित हो रही है। और ख़ास करके अभी लोगों को ये समझ भी आ रही, जो आपने कहा कि हमें समझ आएगी अगर हम लोग सब कोई पढ़ेंगे तो ये लोगों को अभी समझ भी आ रही कि प्रकृति के साथ कहीं छेड़छाड़ लड़ना ये हमारे लिए उचित नहीं है। हमें उसे एक आया ना कि अभी प्रकृति पूरा रिसेट बटन दब गया है, तो ये बात कहीं ना कहीं सही है कि अभी सारा प्रकृति रिसेट बटन दब गया है। नहीं तो इतने चिड़िया कहाँ दिखते थे, यहाँ पे गाड़ी का आवाज ही आता था और सारा हॉर्न ही बजता था। अब तो सब चिड़िया भी आपको नजर आ जाएंगे, कबूतर भी नजर आ जाएंगे, मैने भी नजर आ जाएंगे बड़े बड़े शहरों में। तो और भी अभी बहुत सारा वीडियोज आ रहा है जहाँ दिख रहा है कि मोर भी आ जा रहे हैं जंगल से शहर में, तो ये सब तो एक कल्पना था, ये तो कहीं ना कहीं रिसेट बटन दबा है, कहीं ना कहीं प्रकृति पे जरूर जरूर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हुआ है। तो आप अवश्य ही 9वें अध्याय में पढ़िए, प्रकृति का विशेष वर्णन भगवान ने किया है और भगवान ने कहा कि मैं इसका मालिक हूँ और लोग अपने आप को मालिक समझ बैठे हैं, ये बहुत ही खतरनाक है। चलिए, बहुत ही अच्छा है, सभी लोग पढ़ें, सभी लोग जाने प्रकृति के साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ ना हो, वो ईश्वर को भी माने, विज्ञान को भी माने और अपने जीवन को सुचारू ढंग से चलाएं। आपका संदेश क्या रहेगा सर और आमजनों के लिए, खास करके भगवद गीता को लेकर कर? मैं कहूँगा ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्रहण करें और इसका अध्याय करें और अपने मन को शांत रखें। ऐसा कोई विचलित होने का बात नहीं है कि हाँ मेरा बिजनेस बंद है, इतने दिन से कैसे चलेगा, सब कुछ चलेगा, सब कुछ परम पिता परमेश्वर के आशीर्वाद से सब कुछ सही चलेगा।
और हाँ, जैसे मोदी जी ने कहा है, जितना सामर्थ्य हो सके आप अपने जो भूखे हमारे बंधुगण हैं उनको जितना हो सके आप मदद कीजिए इस विकट परिस्थिति में। वो कहीं ना कहीं आपके लिए वो फ़ायदेमंद ही रहेगा। वो उसके अगर एक शाम का उसका अगर भोजन व्यवस्था हो जाता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ साथ हमारे राष्ट्र ये प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो आश्वासन दिया गया है, जो बोला गया है, उसको भी हम कहीं ना कहीं पूर्ण करेंगे। बहुत बहुत कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों इस दोनों पुस्तक को ग्रहण करें और इसका अध्याय करें तो ये सबके लिए अच्छा ही रहेगा। जी जी, पुनः मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत।